वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं कि दीपक जलाने के क्या फायदे हैं, दीपक जलाने से क्या होता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं से प्रार्थना करने और उनसे इच्छाएं व्यक्त करने के लिए पूजा की परंपरा है। यह भगवान में श्रद्धा और आस्था को भी दर्शाता है। पूजा अलग अलग दिन और अलग अलग वार पर त्योहारों पर विभिन्न पूजाएं की जाती है। पूजा में दीपक का खास महत्व होता है। दीपक जलाना सभी प्रकार की पूजा में बहुत जरूरी माना गया है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। दीपक जलाने से अंधकार दूर होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अंधकार को नकारात्मक तत्व के रूप में माना जाता है। दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। दीपक का काम प्रकाश फैलाना है। प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। वह ऊर्जा जो सब कष्ट और दुखों का अंत करती है। इससे हमारी श्रद्धा ही नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। इन पंक्तियों का भाव ही अंधेरे से उजाले में जाना जाता है। अर्थात मनुष्य शब्द दोषों को त्याग शुभ कार्यों की तरफ रुख करता है। दीप प्रज्वलन से निकलने वाले तत्व घर में हानिकारक विषाणुओं को नाश करके वातावरण शुद्ध करते हैं। जब घर में शुद्ध सरसों के तेल या घी का दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यदि दीपक के साथ एक लौंग भी जला दिया जाए तो यह औषधि की भांति काम करता है। माना जाता है कि तेल से जले दीपक का असर उसके बुझने के आधा घंटे बाद तक रहता है और घी के दीपक का प्रभाव करीब 4 घंटे तक रहता है। गाय के दूध से बनी घी का दीपक का जलाना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। घी में चर्म रोग जैसे बीमारियों को दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। जिस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं वह कहीं से भी टूटी या फूटी ना हो। धार्मिक अनुष्ठानों में खंडित वस्तुएं शुभ नहीं मानी जाती, जो कि टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। दीपक की बाती इस प्रकार से व्यवस्थित हो ताकि वह पूजा के बीच में ना बुझे और पूजा खत्म होने तक चलता रहे। पूजा में एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए एक तिली से एक ही दीपक जलाना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।